वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार कई जतन कर रही है, फिर भी बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनके अंदर डर जो है भागा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है जाना। विपक्ष ने जो रायता फैलाया था उसे समेटने में खासी दिक्कत हो रही है, लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से बच रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन मंदसौर में एक ऐसा शराब का ठेकेदार सामने आया जिसने एक अलग ही स्कीम निकाल दी है। यहां पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर शराब खरीदने पर जो है छूट दी जा रही है, वो भी 1% नहीं पूरे 10% की छूट दी जा रही है। जिलाधिकारी जो है उन्होंने बताया कि COVID-19 वैक्सीनेशन में सहयोग करने तथा दोनों डोज लगवाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर देसी मदिरा दुकानों पर, जैसे जो कि दुकान जो है सीतामऊ फाटक पर है, भनिया खेड़ा और बस स्टैंड के पास जो है वहां पर जितनी भी शराब की दुकानें हैं वहां पर 10% की छूट दी जा रही है अगर आप दोनों डोज लगवा के आ चुके हैं तो, और आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि शराब ठेकेदार द्वारा जो है 3 दुकानों पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने पर छूट की घोषणा की गई है। ये छूट ठेकेदार द्वारा निजी रूप से दी जा रही है, जिला प्रशासन या सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शराब ठेकेदार वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की छूट का ऐलान करता है तो जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी शायद ठेकेदार द्वारा ये छूट दी जा रही है। बता दें कि इससे पहले खांडवा जिला आबकारी अधिकारी RP किरार भी ऐसे बयानों को लेकर चर्चा में आए थे। उनका मानना था कि शराब ही कभी झूठ नहीं बोलता। हम सबको उनको जो लाइसेंस ही उसको वो आदेश कर रहे हैं कि वो पूरे दुकान पे चस्पा कराए कि बगैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्ति को दोनों डोज लगे हुए होंगे उसी को हम दारू बेचे। नहीं नहीं, ये तो ईमानदारी आदमी के स्वयं की ईमानदारी पे है, वो बताएगा मौके क्या है। झूठ बोल के भी ले सकता है सर वो। अब ये तो ले तो सकता है, झूठ तो बोल सकता है, परंतु हमको ये उम्मीद है कि नहीं, आदमी सत्य बोलता है तो वो क्या कहते हैं खाना पूर्ति नहीं है, ये सतत चालू रहेगी 31 दिसंबर तक, जब तक पूरा सेकेंड डोज पूरा जनता को नहीं लग जाए तब तक नहीं जाएगा। हाँ, करेगा हमारे सब इंस्पेक्टर, ADO और खुद मैं करूँगा यहाँ। आपको इस खबर पर क्या लगता है कि आपके जिले में भी इस तरह के शराबी ठेकेदार होने चाहिए जो कि COVID-19 के डोज के जो प्रमाण पत्र होते हैं उन पे उनके ऊपर जो है आपको 10% का जो है डिस्काउंट दे दे शराब पर। बहुत सारे लोग जो हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो हैं, तमाम लोग जो हैं सबसे पहले जो है डोज लगवाने जाएंगे और उसके बाद फिर जो उनको शराब पीनी होगी वो शराब पियेंगे। आपको अगर लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।